आपको करवा। सबसे पहले तो हम यहाँ पे चीजें देखने लगे। जैसा कि आप जानते हैं महंगाई का दौर है, तो हर कोई ये चाहता है कि उसे सस्ती सस्ती चीजें मिले। तो ये बाजार इस तरह का है जहाँ पे सस्ती चीजें भी हैं, महंगी चीजें भी हैं, हर किस्म की चीजें यहाँ पे मिल सकती हैं। यहाँ देख सकते हैं लेडीज के सूट बहुत ज्यादा हैं। यहाँ पे हर जगह आपको लेडीज सूट मिल जाएंगे, लेकिन मर्दों की चीजें कम ही हैं। देख सकते हैं कितने अच्छे यहाँ पे कपड़े हैं। ये बिल्कुल सामने नए नए सूट्स करे गए, और ये भाई है इन्होंने बाबा जी कुछ बोला कुछ भी। तो ये देख सकते हैं सारे यहाँ पे कपड़े हैं औरतों के। तो ये बिल्कुल सामने नलकियाँ पड़ी थी, यहाँ पे हर किस्म के रंग की नलकियाँ मिल जाती हैं, क्योंकि काफ़ी लोग औरतें होती हैं जो घर में सिलाई करती हैं, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है कि वो यहाँ से सस्ती नलकियाँ ले सकती हैं। और ये देखिए सामने ही दुकान है झाड़ू वगैरह की। तो वाशरूम के आपने कुछ भी लेना हो, बाल्टी वगैरह, तो आप यहाँ से ले सकते हैं, बहुत सस्ते रेट में मिल जाएंगी। और औरतों का तो सिलाई का काम होता है, तो उनको इन चीज़ों की अशिया की ज़रूरत होती है, लैसेस वगैरह, बटन हो सकते हैं जो। तो यहाँ पे नलकियाँ भी मिल जाएंगी, लैसेस में मिल जाएंगी, और हर किस्म के कपड़ा यहाँ पे मिल जाएगा, वो भी सस्ते रेट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा वैरायटी है, यहाँ पे औरतों का रश लगा हुआ है, हर कोई यहाँ से चीज़ें ले कर जाता है। और ये बाज़ार सिर्फ और सिर्फ इतवार को लगता है, सिर्फ और सिर्फ इतवार को। तो इधर आपको सब्जियों के भी काफ़ी मिल जाएंगी दुकानें, रेड़ियाँ, और यहाँ पे आपको कंघियाँ ले सकते हैं, जराबें, और भी काफ़ी चीज़ें, ग्लव्स, जिस तरह के सर्दी का मौसम है आप यहाँ से जैकेट्स आके ले सकते हो। तो इधर मैंने भी यहाँ से जैकेट खरीदी थी अपने लिए। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा रश है यहाँ पे, तो इधर से तो गाड़ी निकलना भी मुश्किल होती है। तो इस सब के बाद हम आए गोश्त वाली दुकान पर। तो इन भाई का गोश्त बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन इनका रेट बाकी सबसे मुख्तलिफ है, इनका रेट सबसे ज़्यादा है, लेकिन गोश्त का वहाँ पे कीमत ज़्यादा है, लेकिन उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुर्गी इनकी मोटी है। तो ये बिल्कुल सामने एक स्टूडियो आया था जहाँ पे लोग आके अपनी पिक्चर वगैरह खिंचवा लेते हैं। तो इस सब के बाद हम थोड़ा सा आगे गए, तो हमें यहाँ पे सिलेंटी वगैरह मिल गई, तो जिन्हें हम फ्राई करके बच्चे खाते हैं ज़्यादा शौक से। तो देखिए यहाँ पर आपको मैक्रोनी, पास्ता, हर किस्म की वैरायटी मिल जाएगी। ये शॉप यहाँ इसी काम की है, ये मुर्गियों वाले जो आपको अभी दिखाए थे बिल्कुल उनके साथ ही है। ये देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा। तो इसके बाद हम आगे गए दूध वाली दुकान पे, तो इनके पास बहुत ज़्यादा सामान पड़ा था, रोल वगैरह भी इन्होंने रखे हुए हैं और चीज़ भी। तो इस सब के बाद यहाँ पे हमें एक भाई मिले, तो कुछ चीज़ें बेच रहे थे, तो चलाइए उनका इंटरव्यू करते हैं और पता लगाते हैं वो क्या चीज़ें बेच रहे हैं। आपका नाम क्या है? बहुत अच्छा नाम है। आप काम क्या करते हैं? ये प्रॉब्लम वाला फैशन मैनेजर। ठीक है, इसका बाजार से रेट कितना होगा? बाजार से रेट कितना, मतलब के कम कितना? इतना कम भी नहीं होता ना, इतना ज़्यादा तो बस सही है। मतलब ये एक पैकेट कितने का पड़ता है? 100 का पड़ता है, 120 का रेट। ठीक है, हो जाती है सही कमाई? जी जी, बात हो जाती है। भाई का इंटरव्यू लेने के बाद हमें बहुत मज़ा आया, तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चले, तो ये सामने ये इधर भी कपड़े लगे हुए थे, वो जो फुटपाथ नहीं होता उसके ऊपर, तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा औरतों का रश था, लोग यहाँ से बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीद के ले कर जा रहे थे। तो वो बिल्कुल सामने से हम निकले थे, वो देखें वहाँ से हम आए थे, और वहाँ से रोड क्रॉस करके हम यहाँ पे आ गए। इतवार वाले दिन यहाँ पे रोड पे बहुत ज़्यादा रश हो जाता है। तो इधर एक रोल क्रीम जो होती है, स्क्रीन रोल, उसकी भी यहाँ पे दुकान थी, और बिल्कुल रोड क्रॉस करते ही आगे एक और आ जाती है गली, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा आगे भी मार्केट है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना ज़्यादा रश है। तो यहाँ पे ये बच्चा चीज़ें बेच रहा था, ये आगे टोकरियाँ वगैरह, और ये साबुन वगैरह, नमक चीज़ें, इधर भी वही चीज़ें मिल जाती हैं,
यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार है ये, तो आप यहाँ पे आके चीज़ें खरीद सकते हैं अपने लिए। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे कितनी ज़्यादा चीज़ें हैं, क्लिप्स वगैरह मिल जाएंगे आपको, पर्स मिल जाएंगे वो भी कम से कम रेट में। अगर आप कोई अच्छी क्वालिटी ज़्यादा चाहते हो तो ज़्यादा पैसों में भी आप कुछ चीज़ें खरीद सकते हो। ये देखिए आगे यहाँ पे कितना रश है, यहाँ पे तो जगह भी नहीं थी चलने की। तो यहाँ पे मलोक हैं जो मैं बहुत फेवरेट है मेरे, मैं बहुत खुशी से खाता हूँ। यहाँ पे हर जगह जहाँ पे भी आप देखेंगे आपको कोई ना कोई कपड़े वाला नजर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए बाइक्स वगैरह गुजरती हैं, जब उनके लिए जगह ही नहीं बचती क्योंकि रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है। यहाँ पे देखो कितने अच्छे सूट हैं यहाँ पे, तो इनसे थोड़ी सी बात की थी मैंने। कितने का सूट है ये? 500 रुपए की शर्ट है। 500 रुपए का? ये मैं आपको ठीक है, टू पीस है बस, ठीक है। तो इनसे बात करने के बाद हम थोड़ा आगे निकल गए। यहाँ पे देखो ज़रा कितना ज़्यादा रश है, हर तरह के यहाँ पे लोग गए हुए हैं। यहाँ पे कोरोना का भी थोड़ा सा खतरा था हमें, तो हमने मास्क लगा लिया था बाद में। देख सकते हो यहाँ पे खाने पीने वाले भी हैं लोग, यहाँ पे कोई आए तो खाना भी खा सकता है सुकून से। गर्मी में तो मुश्किल ही है यहाँ पे आना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रश होता है। तो आपको हर चीज़ मिल जाएगी। ये शायद दाल चावल थे, हाँ पता नहीं क्या चीज़ थी, मैंने गौर नहीं किया। तो इसके बाद आगे चले गए हम। ये वही तो शायद शागत हम के नकली पैसे तो नहीं दे रहे, लेकिन अच्छी बात है पैसे लेने से पहले चेक कर लेने चाहिए। ये भाई भी थे यहाँ पे, देखो यहाँ पे कितनी ज्यादा लोगों ने चीजें लगाई हुई है। आपको यहाँ पे आपकी जरूरत की हर चीज मिल जाएगी। वार बाजार यहाँ पे बहुत बड़ी मार्केट है। इसके आगे ही एक और बाजार है, वो कबाड़ बाजार, वहाँ पे आपको हर चीज की कबाड़ मिल जाएगी चीजें। भाई चाह रहे थे कि एक भी कैमरे में हो। ये हमारे दोस्त हैं खान साहब, इनका ये स्टॉल लगा है। ये कॉर्पोरेशन वाले आए थे सुबह, चले गए हैं, लेकिन आज उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। आज किस्मत अच्छी है, आज किस्मत अच्छी है। देखो यहाँ तक के हर जगह यहाँ पे लगी हुई है। देखिए कितनी प्यारी प्यारी यहाँ पे घड़ियाँ, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं। तो आगे स्लीपर्स वगैरह औरतों के लिए होते हैं जो, वो भी थी। ये जो गंडेरियाँ आपने आगे सामने देखी, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी सर्दियों में लोग किस तरह खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी थी उस दिन, लेकिन लोग इकट्ठे हो गए थे। अब सर्दी की वजह से घर पर नहीं ना कोई बैठ सकता। नाजरीन देख लें, 50 रुपए में बेच रही है, इससे सस्ता और क्या हो सकता है। इतनी अच्छी अच्छी वैरायटी है इधर ताजपुरा बाजार में। वो बिल्कुल सामने मेरे हैं, लेकिन ये छोटे मिल जाते हैं, बड़े भी मिल जाते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये लाजमी थोड़ी है ना कि ये हर रोज़ एक ही चीज़ है, चीज़ें डिफरेंट आती हैं। यहाँ पे देखो वही स्नैक्स है जो बंदा मसाले वगैरह यहाँ पे पैकेट जो होते हैं, यहाँ पे जो औरतें कपड़े जोड़ जोड़ के होते हैं, क्या उन्हें कहते हैं मुझे नहीं पता, उसके साथ यहाँ पे आसानी से बन जाते हैं, कोई भी कलर मैचिंग कर सकते हैं बंदा सुकून से। आगे इधर बच्चों के टॉयज भी हैं, सॉफ्ट टॉयज। यहाँ पे आपको बच्चों के लिए बुक्स मिल जाएंगी, पॉइंट्स वगैरह।
बच्चों के लिए ज़रूरी होती हैं क्योंकि पोइम्स जो होती हैं वो बच्चों को ज़्यादा इंटेलिजेंट बनाती हैं। तो इधर यहाँ पे भी वही कपड़े हैं। देख सकते हो कितनी वैरायटी है। तो ये वीडियो बस यहाँ तक ही थी, यहाँ पे जूतियाँ भी थी। आज की वीडियो में इतना ही, तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।